हेलो एवरीवन, आज का हमारा पाठ है नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ को लेखिका चपला देवी के द्वारा रचित किया गया है। यह पाठ जो है एक रिपोर्ट की तरह लिखा गया है। इसमें सन 1857 ईस्वी में जब विद्रोही नेता थे जो आज़ादी की लड़ाई कर रहे थे, जिनका नाम धुंधु पंत नाना साहेब था, वो उनका कानपुर में आंदोलन असफल हो गया था और जब वो भाग रहे थे तो अपनी पुत्री मैना देवी को साथ लेकर के नहीं जा सके थे और उनकी पुत्री जो थी वो उनके महल में रहती थी। और विद्रोह करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी क्रूरता से उस देवी को या उस बच्ची को भस्म कर दिया था, जिंदा ही उसको अग्नि में जला दिया था। इन पंक्तियों में नाना साहिब की विवशता और देवी मैना का बलिदान जो है वो बताया गया है। यानी प्रथम जो पंक्तियाँ थी कि उसको किस प्रकार से भस्म कर दिया गया, ये इस तरह के प्रश्न गद्यांश के रूप में आ जाते हैं। अब मैं आपको पाठ का भाव बता रही हूँ। जो मैना थी वो बिठुर का राजमहल था, वहाँ पर रहती थी। और आपको मैंने पहले बताया जैसा कि उसे अपने साथ लेकर के नहीं जा सके थे नाना साहेब, और अंग्रेज जो थे बदले की आग में जल रहे थे। निरी और निरपराध मैना, यानी उसका कोई अपराध नहीं था, वो अंग्रेजों को मिल जाती है और अंग्रेज उसे जीवित ही आग में धकेल करके जला करके मार डालते हैं। एक बार इसी संदर्भ में वह हे होता है, जनरल हे को कहती है कि आप मुझे बचा लीजिए क्योंकि आपकी बेटी मेरी फ्रेंड रह चुकी है, और वह उसका पत्र भी जनरल हे को दिखाती है। जनरल हे उसे कहते हैं कि मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन मुझे अंग्रेज सरकार की बात माननी पड़ेगी। इस प्रकार से हे उसे सांत्वना देता है लेकिन उसे बचा नहीं पाता है। मैना हे को प्रभावित करती है क्योंकि हे की पुत्री जो थी मेरी उसकी सहपाठिन थी, साथ पढ़ती थी उसकी, और हे उसे कहता है कि उसकी रक्षा करने का प्रयास करेगा। लेकिन अंग्रेज सरकार आदेश दे देती है कि नाना साहेब के घर से या उसका कोई भी अंश मिल जाए उसे नष्ट कर दिया जाए, उसकी कोई भी संपत्ति है उसे नष्ट कर दिया जाए। अंग्रेज होने के नाते भी नाना साहेब पर उनका क्रोध था, लेकिन अब जब मेरी की बात उसने बताई तो वो उससे खुश हो गए थे। एक बार जब आधी रात को चांदनी रात में देवी मैना जो है बाहर आती हैं, जब उनका महल जो है नष्ट कर दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, जब अंग्रेज उनके महल को नष्ट कर देते हैं और मलबे के ढेर पर वह बैठकर रोने लगती है। मलबे के ढेर में जब उसका महल बिठूर वाला महल बदल दिया जाता है तो वह रोने लगती है और अपनी अंतिम इच्छा बताती है कि उसे जी भरकर रो लेने दिया जाए, लेकिन जनरल आउटरम उसे ऐसा नहीं करने देते और उसे कैद करके जेल में डाल देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये लड़की भाग गई तो उनकी बदनामी होगी, तो इसलिए वो उसे कैद करके जेल में डाल देते हैं। यहाँ पर मैना एक बहुत ही वीर और देशभक्त बालिका दिखाई देती है। जब उन्हें कैद कर लिया जाता है तो वो बिल्कुल भी डरती नहीं है। उनका मन जो था अपने देश के प्रति और अपने घर के प्रति अत्यधिक प्रेम से भरा हुआ था। पाठ में बताया गया है कि शक्ति तोप और तलवार में नहीं होती है, बल्कि शक्ति किस में होती है? साहित्य में होती है। यह जो पाठ है लोगों में किस प्रकार की भावना का जागरण करता है? स्वाधीनता की भावना का जागरण करता है। जब जनरल आउटरम वापस आता है तो वह कहता है कि यह तो नाना की बेटी है, और फिर उसको जलाने की
आज्ञा दे देता है और उसे जीवित ही आग के ढेर पर बिठा करके जला दिया जाता है। उसे जलती हुई भीषण आग में जीवित जला दिया और बदले की भावना से ये सब किया गया। हालांकि मेना का कोई दोष नहीं था, लेकिन जो आंदोलन हुआ था उसमें अंग्रेज़ों के काफ़ी लोग मारे गए थे, इसलिए नाना साहिब से बदला लेने के लिए मानवता को भूल करके देवी मैना को भस्म कर दिया गया था। उनका अपने घर के प्रति अत्यंत स्नेह था, वो निडर थी, उन्हें कोई डर नहीं था। अंग्रेज सेनापति और सैनिकों को इतनी बड़ी संख्या में देखकर कि वह बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि उसने बड़े साहस से अपनी बात सबके सामने रखी। उसे मौत का भय दिखाया गया, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरी। वह एक तर्कशील बच्ची थी, उसने अपने तर्क दिए हे को कि महल का तो कोई दोष नहीं है। जब उसके घर को तोड़ा जा रहा था तो ये कह दिया था कि उसके महल का कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह तो निर्जीव है, निर्जीव का क्या अपराध है। इस प्रकार से हे उसकी बात मान भी जाता है। पूरे पाठ में बच्ची की बहादुरी और उसकी निडरता का वर्णन किया गया है, लेकिन उसकी अंतिम जो समय था जब उसे जिंदा जला दिया गया, यह लोगों के लिए बहुत ही भावनापूर्ण है और इसे पढ़ करके या सोच करके भी लोगों में मार्मिकता जो है भावुकता प्रवेश कर जाती है और पूरा पाठ उनकी देशभक्ति के, बलिदान के और अंग्रेज़ों की क्रूरता के माध्यम से यह बताता है कि वो इतने अमानवीय थे अंग्रेज। मैना जैसी निरपराध बालिका को जीते जी जलाने में उन्हें बिल्कुल भी मानवीयता का ख्याल नहीं आया और यह उनकी संकीर्ण मनोवृत्ति को बताता है कि किस प्रकार से वह बच्चों को भी नहीं बख्शते थे। इसी बारे में श्री महादेव चिटनवीस ने लिखा है कि कल कानपुर के किले में एक भयंकर हत्याकांड हो गया, अर्थात अग्नि में जलाकर मार देने की घटना घटित हुई। नाना साहिब की एकमात्र कन्या मैना को धधकती हुई आग में जलाकर राख कर डाला और वह बालिका भीषण आग में बिना चिल्लाए शांत और सरल मूर्ति बनकर के अत्यंत सुंदर बालिका आग में जल रही थी और उसे देखकर सबने उसे देवी मानकर श्रद्धा भाव से प्रणाम किया था। कहने का तात्पर्य है कि निरपराध बालिका को जीते जी आग में जलाने जैसा अमानवीय कार्य करना अंग्रेजों की संकीर्ण मानवता को दिखाता है, उनकी संकीर्ण मनोवृत्ति को दिखाता है। इस समाचार के माध्यम से देवी मैना के महान बलिदान का वर्णन किया गया और साथ ही अंग्रेजी शासन की क्रूरता का भी वर्णन किया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।